हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज लेकर हम आए हैं अपनी संचयन बुक का आखिरी अध्याय। भाई क्लास है 10th और कोर्स है बी, और कोर्स बी की हम जो आखिरी बुक, यानी कि दो ही तो बुक हैं, पहली बुक हम कर चुके हैं स्पर्श, अब हम कर रहे हैं संचयन, और संचयन के भी आखिरी अध्याय पे आ गए। संचयन का आखिरी अध्याय है टोपी शुक्ला। एक छोटा सा बच्चा जिसे अपने घर में कोई समझ नहीं रहा, कोई टाइम नहीं दे रहा, कोई प्यार नहीं दे रहा, और वो ढूंढने के लिए निकलता है। ये प्यार जिसे मिलता है ये एक अपने एक दोस्त और उसके घर में उसकी दादी से, उसका एक दोस्त होता है उसकी दादी से, तो इन दोनों से उसका अपनापन बहुत बढ़ जाता है। तो जो बातें वो अपने घर में चाहता था वो उसने बाहर ढूँढी और बाहर उसे मिली भी, लेकिन बहुत कम समय के लिए, क्योंकि दादी जो हैं वो बहुत ज़्यादा उम्र की थी, उनका देहांत हो गया, और जो उसका दोस्त था उसके पापा की जॉब ट्रांसफरेबल थी और वो ट्रांसफर चले गए। तो इस तरीके से वो जो चीज़ों की चाहत रख रहा था उसे घर पे तो नहीं मिली, बाहर मिली, मगर वो भी टेम्परेरी, ज़्यादा समय के लिए नहीं। इन सारी सिचुएशंस के बाद घर में बहुत सारा तनाव, बहुत कुछ, जिसका असर उसके मन मस्तिष्क पे तो पड़ा ही, लेकिन साथ ही साथ उसकी पढ़ाई पर ही पड़ा। तो यहाँ पर आज हम ऐसे ही एक छोटे बच्चे टोपी शुक्ला की कहानी देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है राही मासूम रजा जी ने, ठीक है। अब ये कहानी को रखने का उद्देश्य क्या है? कहानी रखने का उद्देश्य बहुत बड़ा ये है, ये समझाया जा सके कि एक बच्चा और एक पेरेंट्स, इनके बीच एक ऐसा संबंध होता है कि जिसको बनाए रखना और बचाए रखना दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बड़े अपनी दुनिया को बहुत अलग हद तक बना लेते हैं, लेकिन बच्चों की दुनिया अपने पेरेंट्स के साथ ही बंधी होती है, तो उनको साथ देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी तो बाहर सही लोग मिल जाते हैं और कभी कभी सही नहीं मिल पाते। तो यही सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। बहुत ही इमोशनल कहानी है, और एक बच्चा कैसे इन सारी चीज़ों से सफ़र करता है और उसके मन में कैसी कैसी चीज़ें उठती हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से राही मासूम रजा जी ने इसे हमारे सामने रखा है। ये देखिए, मासूम रजा जी की फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर है, आप अच्छे से इन्हें देख सकें। तो चलिए देख लीजिए, क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है संचयन भाग 2, चैप्टर नंबर 3 है टोपी शुक्ला। आज हम इसका करने जा रहे हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन, बहुत डिटेल में इसको समझेंगे। टोपी शुक्ला कहानी राही मासूम रजा द्वारा लिखे उपन्यास का एक अंश है, ठीक है। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है, ये सिर्फ उसका एक अंश यानी कि एक टुकड़ा है, ठीक है। कहानी टोपी के इर्द गिर्द घूमती है। टोपी शुक्ला नाम ही कहानी का, तो जो लड़का है वो टोपी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है। वह इस कहानी का मुख्य पात्र है। टोपी के पिता डॉक्टर हैं। टोपी के पिता क्या हैं? डॉक्टर हैं। उनका परिवार भरा पूरा है। यह परिवार अत्यधिक संस्कारवादी है। अब देखिए, टोपी शुक्ला एक पूरी तरीके से पंडित परिवार है, ये हमको समझ में आ रहा है। संस्कार, सारी चीज़ों को फॉलो करना, ये सब इन्हीं के यहाँ पर होता ही है। घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। टोपी का एक दोस्त है इफन, पर टोपी हमेशा उसे ए हफन कहकर पुकारता है। अब नाम इफन है लेकिन उसे हफन कहकर पुकारता है। तो यहाँ देखिए क्या है, उसके घर में सब कोई है, मतलब ये नहीं है कि घर में दादी हैं, भाई है उससे टोपी के, दो दो भाई हैं, और उसके बाद घर में बहुत सारे नौकर हैं, माता पिता हैं, सब कोई है, लेकिन उसके बावजूद उसे जो प्यार, जो लगाव चाहिए वो उसे घर पर नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो यहाँ पर इफन और टोपी दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। दोनों के घर अलग अलग थे, दोनों के मजहब अलग अलग थे, फिर भी दोनों में गहरी दोस्ती थी, दोनों में प्रेम का रिश्ता था। इफन एक मुसलमान परिवार से आता है, टोपी एक पंडित परिवार से, हिंदू पंडित परिवार से आता है, उसके बावजूद भी इन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती है। इस कहानी में आप बहुत कुछ देखने वाले हैं, जहाँ पर सांप्रदायिकता से परे यहाँ पर दोनों की दोस्ती है, वहीं उम्र के परे भी यहाँ पर आप दोस्ती और प्यार देखेंगे, ठीक है। अब इफन और टोपी तो सेम एज के हैं, इसलिए उनके अंदर के साथ में ये
होना तो लाजमी सी बात है, लेकिन अभी हम देखेंगे टोपी की दोस्ती इफन की दादी के साथ होती है। कहानी के प्रारंभ में इफन के विषय में भी बताते हैं, क्योंकि पूरी कहानी इफन का जिक्र बार बार आता है। लेखक हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। इस कहानी में दो पात्र हैं, बलभद्र नारायण शुक्ला यानी कि टोपी और सैयद जरगाम मुर्तजा यानी कि इफन। तो ठीक है, टोपी का जो नाम है वो मैंने आपको बता दिया, बलभद्र नारायण शुक्ला, और इफन का जो नाम है वो है सैयद जरगाम मुर्तजा। ठीक है, इफन के दादा और परदादा प्रसिद्ध मौलवी थे। तो अभी हम लोगों ने टोपी का देखा कि टोपी के पिताजी एक डॉक्टर हैं, भरा पूरा परिवार है, संस्कारी परिवार है। अब इफन के परिवार की तरफ आते हैं। इफन के जो दादा रहे, परदादा रहे, वो मौलवी रहे। मरने से पहले उन्होंने वसीयत की थी कि उनकी लाश कर्बला ले जाई जाए। किन्होंने? दादा ने ये की थी कि वसीयत की, जब मैं मर जाऊँ तो मेरी लाश को कर्बला ले जाकर दफनाया जाए। इफन के पिता ने ऐसी कोई वसीयत नहीं की। इफन के पिता कोई ऐसा कुछ नहीं चाहते। उन्हें एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफनाया गया। तो ठीक है, उनके पिता को कहाँ दफनाया गया? जो यहाँ पर, अच्छा थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इफन के दादा और परदादा मौलवी थे। मरने से पहले उन्होंने वसीयत की थी कि लाश कर्बला, तो परदादा ने ये वसीयत की थी कि उनकी बॉडी को कर्बला ले जाकर दफनाया जाए, तो वो हुआ। लेकिन यहाँ पर इफन के दादाजी की बात हो रही है, ना कि पिताजी की। पिताजी तो जिंदा है। ठीक है, तो उनकी वसीयत ने इनको हिंदुस्तानी में ही दफनाया गया। ठीक है, फिर आते हैं। इफन की दादी नमाज के रोजे की पाबंद थी। अब हम दादाजी की बात कर रहे हैं तो दादी भी आ गई। दादी भी एक संस्कारी मुसलमान परिवार की हैं और वो पांचों वक्त की नमाजी हैं। अच्छे से रोजे और नमाज करना उनका नियम है। पर जब उनके इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के एक पास एक टांग पर खड़ी रही और बोली, माता मेरे बच्चे को माफ़ कर दो। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि वो एक पक्की नमाजी औरत हैं, रोज़ा रखती हैं, अपने धर्म में पूरी मान्यता रखती हैं। लेकिन जब इफन के पिताजी को यानी कि उनकी दादी के बेटे को जब चेचक निकली, तो उस समय चेचक को ये नहीं होता था कि वो एक डिजीज़ है। सिर्फ ये माना जाता था कि भाई माता गुस्सा हो गई, तो वो जो है उसकी चारपाई के पाए के पास खड़े होकर वो माफ़ी मांगती हैं कि भाई मेरे बेटे से गलती हो गई है, माफ़ कर दो। तो इसके लिए उन्होंने जो है एक पूजा अर्चना का जो प्रोसीजर होता है वो भी फॉलो किया। हाँ, सब कुछ जो एक होता है उसको फॉलो करके अपने बेटे की जान को बचाने की उन्होंने भरोसक कोशिश करी। और मतलब कोई भी माँ होगी अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद रहेगी। वे पूरब की रहने वाली थी, इसलिए मरते दम तक पूर्वी बोलती रही। तो पूरबिया जो भोली होती है ना, उसमें कुछ अलग तरीके के साउंड्स रहते हैं, आप उनको सुनेंगे पूरब के साइड के लोग के, तो वो इस तरीके की थोड़ी सी उनकी बोली अलग होती है। तो उन वो एसेंट उनकी बोली में था और यही बोली उन हमारे टोपी को बड़ी पसंद आती थी। वे गाने बजाने में रुचि लेती थी। इफन की छठी पर उन्होंने जी भर कर जश्न मनाया था। इफन की दादी जमींदार की बेटी थी, उन्हें दूध घी बहुत पसंद था, परंतु लखनऊ आकर वह उन सब चीज़ों के लिए तरस गई। अब देखिए क्या है, अगर इफन की दादी की बात करें तो इफन की दादी के जो घर वाले थे वो जमींदार थे, तो जमींदारी भाई काफ़ी होती है, नाच गाना ये सारी चीज़ें होती हैं, खाना पीना भी बिल्कुल बढ़िया से होता है। लेकिन जब उनकी शादी की गई तो एक मौलवी थे, तो मौलवियों के यहाँ थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है कि भाई देखिए धर्मगुरु हैं, है ना, मौलवी क्या होते हैं, धर्मगुरु होते हैं। तो धर्मगुरुओं का भी अपना एक ओहदा होता है, एक औरा होता है, तो उसके तहत जो है ना इस तरीके से नाचना गाना ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। हर घर, हर चीज़, हर धर्म के, हर घरों के अपने अपने एक वैल्यू स्टेटस होते हैं, उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग तो नहीं माना जाता। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी दब के रह गई। जमींदार थे तो भाई पैसा बहुत था, सब कुछ था, तो खाना पीना सारी चीज़ें वैसी होती थी, मौलवियों के यहाँ वैसी नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं अपने मायके से और जब वो यहाँ ससुराल में आई तो काफ़ी सारी चीज़ें बदली और उनकी दादी ने अपने आप को एडजस्ट भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। लेकिन हाँ, चूँकि वो नाच गाने की शौकीन थी, तो जब इफन की पैदाइश हुई और उसके बाद उसकी छठी मनाई गई, तो एक क्या कहते हैं फंक्शन जो है वो किया गया। उस फंक्शन में वो जी भर के नाची थी और गाई थी।
उन्हें दूध घी बहुत पसंद था, परंतु लखनऊ आकर वह उन सब चीज़ों के लिए तलस गई। तो जब वो पूरब की रहने वाली थी और शादी करके वो कहाँ पर आई, एक मौलवी से जब उनकी शादी हुई तो वो कहाँ आई, लखनऊ आई। और लखनऊ में ये सारी चीज़ें क्यों तरस गई, मैंने रीज़न बताया कि भाई मौलवियों के यहाँ जमींदारों जितना जैसा चीज़ें नहीं होती, तो इसलिए वो वजह से उनका इतना दूध घी ये सारी चीज़ें जो हैं उनको नहीं मिली। यहाँ आते ही उन्हें मौलविन बन जाना पड़ा। मैंने कहा ना कि भाई मौलवी एक धर्मगुरु होते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, तो उनके जीवन के अपने कुछ कायदे कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे होते हैं, हम लोग जो चाहें वो कर लें, लेकिन उन लोगों क्या है, दूसरों को शिक्षा देना है तो खुद को एक जो है प्रेरणा लायक इंसान बनाना पड़ता है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो भी मौलविन बन गई, भाई मौलवी की वाइफ मौलविन, तो उनको भी बहुत सारे पर्दादारी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं करनी पड़ी, क्योंकि उनके पति हर वक्त मौलवी ही बने रहते थे। इफन की दादी को मरते वक्त अपना घर, आम का पेड़, अनेक चीज़ें याद आईं। तो क्या हुआ, जब वो मरने लगी तो उन्हें अपना घर, अपना घर यानी कि अपनी मायके की, जो ज़मींदार थे भाई, खेते थे, खेत थे, बाग थे, वो सारी चीज़ें उनको बहुत याद आई। उन्हें बनारस के फातमैन में दफन किया गया। ठीक है, कहाँ दफन किया गया, बनारस के कब्रिस्तान में, फातमैन में दफन किया गया। इफन तब चौथी कक्षा में पढ़ता था, कौन सी क्लास में पढ़ता था, फोर्थ क्लास में, और टोपी उसका दोस्त बन चुका था। वह अपनी दादी से बहुत प्रेम करता था, दादी उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। टोपी को दादी की भाषा बहुत अच्छी लगती थी, परंतु उसके पिता उन्हें यह भाषा बोलने नहीं देते थे। वह जब भी इफन के घर आता जाता तब दादी के पास बैठने की कोशिश करता। देखिए क्या है, इफन और टोपी की तो दोस्ती हो गई, ठीक है, अब दादी उनकी भाई हंस खुशमिजाज लेडी, तो उन्हें क्या है ना, तरह एक तो उनकी भाषा बड़ी अच्छी और कहानी उस भाषा में सुनाएं तो बच्चों को बड़ा पसंद आए। तो भाई इफन के घर टोपी आने जाने लगा तो दादी से मुलाकात हुई, दादी के साथ बैठता बातें करता, तो एक तरीके से दादी से उसे बहुत लगाव हो गया था। दादी से बातें करना, उनसे कहानियाँ सुनना, वो सब उसे अच्छा लगता था। अच्छा, ये सारी चीज़ें अच्छा लगने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था कि टोपी की दादी जो है वो बहुत ही सख्त थी। टोपी की अपनी दादी जो थी वो बहुत ही सख्त मिजाज लेडी थी, ठीक है, हर चीज़ें टाइमली रूटीन से होना, तो बच्चों के साथ थोड़ा सा हमें नरम होना पड़ता है, लेकिन उनकी दादी ऐसी नहीं थी। इसी वजह से टोपी को अपनी दादी से कहीं ज़्यादा अच्छी किसकी लगती थी, इफन की दादी अच्छी लगती थी। तो जब भी वो जाता इफन के घर तो वो उनकी क्या कहते हैं बहन और माँ से नहीं मिलता, क्योंकि टोपी की बोली सुन के वो लोग अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। तो टोपी हमेशा जो है वो दादी के पास जाकर बैठता, उनके साथ टाइम स्पेंड करता, इस तरीके से उसे वो प्यार और वो अपनापन जो उसे अपने घर में नहीं मिल रहा था वो इफन के घर में इफन की दादी से मिल रहा था। डॉक्टर भृगु नारायण नीले ए तले वाले घर के घर में 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी, यानी खाना मेज कुर्सी पर होने लगा था। अब भृगु नारायण कौन है, भृगु नारायण है टोपी शुक्ला के पिताजी, यानी कि भलभद्र नारायण के पिताजी, ठीक है। अब उनके घर में 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी, यानी कि टोपी के घर में अब सभी लोग जो हैं वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते थे। अब इससे पहले क्या होता था, लोग ज़मीन पर बैठ के खाना खाते थे। अब देखिए हम लोग के घरों में, सभी के घरों में जो है डाइनिंग टेबल पे ही खाना खाया जाता है, तो वो डाइनिंग टेबल पे खाना खाया जाने लगा था, मेज कुर्सी पे। टोपी को बैगन का भरता अच्छा लगा। एक दिन की बात है कि सभी लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे थे, तो उसकी मम्मी ने एक बैगन का भरता बनाया था और टोपी को बहुत पसंद आया, ठीक है। वह बोला, अम्मी ज़रा बैगन का भरता। अम्मी सब सुनकर सभी टोपी को देखने लगे। अब चूंकि वो इफन के घर जाता था, इफन अपनी मम्मी को अम्मी कहता था, तो ये कहते ना भाई बच्चा क्या है, उसे जो चीज़ अच्छी लगती है वो ग्रैब कर लेता है, तो वही चीज़ हुआ, उसने वो चीज़ सुनी। और यहाँ पर जब बैगन का भरता अच्छा लगा तो उसने दोबारा मांगना चाहा अपनी मम्मी से, तो उसने माँ की जगह अम्मी बोल दिया कि अम्मी बैगन का भरता ज़रा। अब अम्मी शब्द तो भाई मुसलमानों के यहाँ बोला जाता है, और ये कट्टर पंडित तो दम बवाल, सब के सब अम्मी सब शब्द सुन के चौंक गए, तो सभी लोग टोपी की तरफ देखने लगे। टोपी की दादी सुभद्रा देवी ने कहा, अम्मी शब्द इस घर में कैसे आया। अब जैसे हमने बताया कि दादी बड़ी सख्त मिजाज की, अब उन्होंने सुना और उन्होंने तुरंत बवाल काटना शुरू किया कि भाई कैसे ये शब्द हमारे घर में आया।
टोपी ने उत्तर दिया, हमने हम इफन से सीखा है। अब बोली का एसेंट भी पूर्विया हो गई कि हमने, अब इस सिंपल इसका हो गया, हमने इफन के घर में सीखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बोला, हम इफन से सीखा है, तो बोली में पूर्विया एसेंट आया। राम दुलारी बोली, कौनो मियाँ के लड़के से दोस्ती कर लियो वा बाय कारे। तो यहाँ पर जो उनकी जो मेड थी खाना बनाने, उसने ये सारी चीज़ें बोली, राम दुलारी ने, कौनो मियाँ के लड़के से दोस्ती कर लियो वा का। इस पर सुभद्रा देवी गरज उठी। अब सुभद्रा देवी तो गरम, तुरंत अपनी बहू पर भड़की, यानी कि टोपी की माँ पर। बहू, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने गवारों की जबान ना बोला करो। लड़ाई का मोर्चा, अच्छा राम दुलारी, सॉरी मैंने यहाँ उनकी मेड बोला, राम दुलारी जो थी वो टोपी की माँ थी, ठीक है, कौन थी, टोपी की माँ। अब टोपी की माँ ने ये बात बोली, कौनो मियाँ के लड़के से दोस्ती कर ली। अब इस पे जो है सुभद्रा कुमारी को और गुस्सा आया, क्योंकि ये एक गांव की लैंग्वेज थी, तो जिस पर वो बोलती है कितनी बार तुमसे कहा है कि गवारों की जबान मेरे सामने ना बोला करो, और इसी बात पे लड़ाई वहाँ पर शुरू हो जाती। एक तो टोपी का अम्मी बोलना, और दूसरा जो है टोपी की माँ द्वारा गाँव की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। जब भृगु नारायण को पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती कर ली है, तो वे अपना गुस्सा पी गए। अब क्या था, टोपी के पिताजी थे कलेक्टर। अब तो भाई कलेक्टर के बेटे से दोस्ती, यानी कि हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खुलना। तो जब भृगु नारायण जी को, यानी कि टोपी के पिताजी को पता चला भाई कलेक्टर का लड़का है, तो उन्हें भविष्य में लगा कि हमारे लिए बहुत काम आ सकता है। इसलिए उन्हें जो गुस्सा आया था कि तुमने एक मुसलमान से दोस्ती करी है, वो गुस्सा कहीं ना कहीं वो पी गए, और उन्होंने टोपी को नहीं डांटा, क्योंकि उन्हें इसमें फ़ायदा दिखाई दे रहा था। फिर भी टोपी ने इफन के घर ना जाने की हान नहीं भरी। अब सब उससे बोले कि भाई तुम उसके घर नहीं जाओ, नहीं जाओ, वो मुसलमान है, तमाम तरह की बात कही, लेकिन वो जाने की जिद, वो तो बोले, उसने हाँ ये नहीं भरी कि मैं नहीं जाऊंगा, वो कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। मुन्नी बाबू और भैरव कौन, उसके भाई जो है, अब उसकी पिटाई हो रही है, ये सारा तमाशा वो दोनों देखते रहे। मुन्नी बाबू ने टोपी की शिकायत करते हुए कहा कि ये उस दिन कबाब खा रहा था। अब मुन्नी बाबू जो उसके बड़े भाई थे, अब उन्होंने क्या शिकायत कर दी कि मैंने उसे एक दिन कबाब खाते देखा, कबाब नॉनवेज होता है, ये लोग पंडित, तो इसमें तो और आग में घी का काम किया, जबकि मुन्नी बाबू झूठ बोल रहे थे, टोपी कहीं नॉनवेज नहीं खाता था, ये खुद मुन्नी बाबू खा रहे थे। तो ये उन्होंने अपना इल्ज़ाम, क्योंकि जब मुन्नी बाबू कबाब खा रहे थे तो टोपी ने उन्हें देख लिया था, तो मुन्नी बाबू ने उसे चुप करा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर लगा था कि भाई कभी ना कभी ये बोल देगा और जो है फ़ायदा उठाएगा। तो ये फ़ायदा, ये डर से मुन्नी बाबू ने ये पासा उल्टा पलट दिया कि मैं अगर इस पर लगा दूंगा तो क्या होगा कि कल को अगर ये मेरे बारे में बोलेगा भी तो कोई इसका यकीन नहीं करेगा। ये बात सरासर गलत थी, जबकि मुन्नी बाबू स्वयं कबाब खा रहे थे, पर टोपी के पास अपनी सफाई देने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब सारी चीज़ें उसके पाले से बाहर जा चुकी थी। भाई मुसलमान से उसकी दोस्ती है तो नॉनवेज खा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उसने कोई सफाई नहीं दी। अगले दिन टोपी स्कूल गया, तब उसने इफन को सारी घटना बताई। दोनों ओ जोग्राफिया का घंटा छोड़ कर सरक गए, जोग्राफिया यानी कि जोग्राफी का। अब जब अगले दिन बताया तो टोपी बड़ा ही अपसेट था। तो इफन और टोपी दोनों ने ही जो है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल यानी कि जोग्राफिया का जो पीरियड था वो बंक किया, और जाकर कहीं अकेले बैठकर बात करना और मूड को सही करना ज़्यादा से ही समझा। उन्होंने पंचम की दुकान से केले खरीदे। टोपी केवल फल खाता था, तो टोपी बच्चा था, फोर्थ क्लास में बच्चा क्या करेगा, तो वो क्या है, वो फल खाता था, तो उसने केले खरीदे और कहीं अकेले जाकर खाने का फैसला किया। टोपी ने कहा, कहना शुरू किया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी दादी बदल लें, कि मतलब कि मेरी दादी सुभद्रा कुमारी तुम्हारी इफन की दादी बन जाए, और इफन की दादी यानी कि टोपी की दादी बन जाए। अब ये बच्चा तो सोचे कि उसको तो जहाँ से प्यार मिलेगा उसे वही चीज़ें अच्छी लगेंगी, पर यह बात इफन को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इफन को अपनी दादी बहुत प्यारी थी, तो वो अपनी दादी क्यों बदलेगा, तो ये बात उसे अच्छी नहीं लगी।
इफन ने कहा, मेरी दादी कहती हैं कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। अब भाई बच्चे छोटे हैं, उनको क्या जीवन मरण पता, बड़े जो बताएंगे। तो दादी ने ये बात कभी ना कभी इफन को बताई होगी कि जो लोग बूढ़े होते हैं वे मर जाते हैं। इतने में नौकर आकर सूचना देता है कि इफन की दादी मर गई। अब ये दोनों डिस्कस ही कर रहे थे, इतने में इफन को ये खबर मिली। बेचारे दोनों परेशान कि दादी खत्म हो गई। शाम को जब टोफी इफन के घर गया तो वहां सन्नाटा पसरा था। क्यों? एक तो भाई मातम का घर, दूसरा उसके लिए उस घर में गुलजार होने का एक ही कारण था, वो था उसकी दादी, जो अब वहां थी नहीं। वहां लोगों की भीड़ जमा थी, टोपी के लिए सारा घर मानो खाली हो चुका था। भाई घर में मातम मना था तो इस वजह से लोगों का आना तो जाहिर सी बात है, लेकिन टोपी के लिए वो घर सन्नाटे वाला था, क्योंकि उस घर में उसके लिए सारी रौनक सिर्फ दादी थी, जो अब नहीं थी, मर चुकी थी। टोपी ने इफन से कहा, तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तब ठीक भया होता। अब देखिए ये बच्चा कैसी बहुत बड़ी बात बोल गया कि तुम्हारी दादी की जगह अगर मेरी दादी मरी होती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि उसकी दादी ने जो रवैया अपनाया हुआ था वो टोपी को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वो अपनी दादी को मरने की कामना करता है। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ये भी हम देखते हैं। चलिए तो ये दिन याद रखिएगा, 10 अक्टूबर सन 1945 यानी कि 1945, जिसके पिता आ ऐसी नौकरी करते हों जिसमें बदली होती हो। इसी दिन इफन के पिता की बदली मुरादाबाद हो गई। अब टोपी अकेला रह गया है। तो अब क्या हुआ कि भाई टोपी की दादी मर गई, इफन की दादी मर गई, तो उसको बहुत ज़्यादा दुख था। अब उसके साथ ही उसे दूसरा झटका तब लगा जब इफन के पिता तो सरकारी नौकरी में थे, कलेक्टर थे, उनका तबादला हुआ यानी कि उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब ट्रांसफ़र हो गया तो भाई उनको सबको जाना पड़ा, वो सब चले गए। अब उसका जो इकलौता दोस्त था वो भी उसके साथ नहीं रहा। तब उससे दुखी होकर 10 अक्टूबर सन 1945 को टोपी ने ये कसम खाई कि अब वो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिताजी की जॉब ट्रांसफ़र वाली हो। तो क्योंकि ये दिन था, उसका भाई दादी एक सहारा थी वो चली गई, उसका मित्र इफन एक सहारा था वो भी चला गया। अब उसकी जगह आए नए कलेक्टर। कौन थे नए कलेक्टर? आए ठाकुर हरिनाम सिंह। के तीनों लड़कों में से कोई उसका दोस्त नहीं बना। तो जो नए कलेक्टर आए उस बंगले में, उनके तीन लड़के थे, तीनों लड़कों में से कोई इनका दोस्त नहीं बना। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू केवल अंग्रेजी बोलता था। उनमें से किसी ने टोपी को अपने पास फटकने तक नहीं दिया। माली और चपरासी टोपी को जानते थे, इसलिए वह बंगले में घुस गया। उस दिन तीनों लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। अब भाई वो जो तीन लड़के थे उनके कलेक्टर, जिस घर में इफन रहता था उसी घर में दूसरे कलेक्टर आकर रहने लगे। तो कलेक्टर जब वहाँ रहने लगे तो उनके तीन लड़के थे, तीनों लड़के से उसकी दोस्ती नहीं हो पाई, लेकिन इफन से लगाव होने के कारण टोपी जो है जब उस घर के बंगले में आया तो वहाँ का माली और चपरासी उसे जानता था, तो इसलिए उन लोगों ने उसे अंदर आने दिया। जिस दिन टोपी अंदर आया उस दिन वो तीनों लड़के वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे। उसके साथ टोपी का झगड़ा हुआ। डब्बू ने अल्सेशियन कुत्ते को टोपी के पीछे लगा दिया। टोपी के पेट में 7 सुइयां लगी तो उसे होश आया। अब क्या हुआ, जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने अपनी तरफ से कोशिश करी कि भाई हम इन तीनों लड़कों से दोस्ती कर लें, जैसे इफन मेरा दोस्त था वैसे हम दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन भाई ये तीनों ही लड़के जो हैं वो कलेक्टर वाली पोस्ट, अपने पिता की कलेक्टर वाली पोस्ट के कारण कहीं ना कहीं एक घमंड में थे, जिसके चलते उन्होंने एक नॉर्मल व्यक्ति से बात करना या दोस्ती करना बहुत ही दूर की बात है। तो बहुत बेइज्जती करी टोपी की, और टोपी की बेइज्जती के साथ ही साथ उन्होंने अपना पालतू एल्सेशियन कुत्ता जो है वो टोपी के पीछे छोड़ दिया। टोपी भागा लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाया और उस कुत्ते ने टोपी को काट लिया। अब कुत्ते ने काट लिया है तो उसको फिर 7 सुइयां, पहले क्या होता था ना कि उन 7 सुइयां पेट में लगती थी, जब वो 7 सुइयां उस कुत्ते के काटने के बाद पेट में लगी तब टोपी को होश आया। फिर उसने कभी कलेक्टर के बंगले का रुख नहीं किया। इस एक्सपीरियंस के बाद वो इफन की याद में उस बंगले में जाया करता था, लेकिन फिर दोबारा वो उस बंगले की तरफ कभी नहीं गया। घर में टोपी का दुख समझने वाला कोई भी नहीं था।
घड़ी घड़ी पे ऐसी ऐसी बातें होती थी जो टोपी को बहुत बुरी लगती थी। जैसे सबके लिए नए कपड़े आए और टोपी को बड़े भाई का उतरा हुआ कोट दिया जाए तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आए, तो जिसकी वजह से उसे पूरे ठंड बगैर कोट के गुजारनी पड़ी। ऐसे बहुत इंसिडेंट होते थे जिसकी वजह से टोपी बहुत दुखी हो गया था, और अपनी दुख तकलीफ़ को बांटने के लिए कोई नहीं था एक्सेप्ट उसकी एक नौकरानी थी जो उसकी बातों को समझती थी। बस घर की नौकरानी सीता उसका दुख समझती थी। जाड़ों के दिनों में मुन्नी बाबू और भैरव के लिए नया कोट आया, जो मैंने अभी आपको बताया। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। अब टोपी चूंकि छोटा था तो जो मुन्नी बाबू के पास जो कोट था वो, अब जैसे होता है कि भाई बड़े के कपड़े छोटों को मिलते हैं, वही हुआ। दोनों के लिए नए आए, लेकिन इसके लिए क्या आया, उसका कोट मिला। टोपी को मुन्नी को काटे मिला, काटे नया नहीं। तो मतलब क्या है, टोपी को मुन्नी का उतरा हुआ कोट मिला तो उसको बहुत बुरा लगा कि भाई सबको नया मिल रहा है, मुझे क्यों मिल रहा है, पर था तो उतरा नहीं। टोपी ने वह कोट उसी वक्त नौकरानी के बेटे को दे दिया, यानी कि भैरों का जो कोट टोपी को दिया गया, टोपी ने वो कोट तुरंत उठाकर अपनी नौकरानी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। कौन? उनका बेटा खुश हो गया नौकरानी का। टोपी को बिना कोट के जारा सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब जब सुभद्रा कुमारी उनकी दादी ने ये देखा कि भाई इस तरीके से तुमने जो है कोट उसको दे दिया, तो उनका तो गुस्सा तमतमा गया। उन्होंने तुरंत ये फैसला किया कि टोपी के लिए अब कोई भी कोट नहीं आएगा, वो पूरा जाड़ा बगैर कोट के गुजारे का। ये फैसला सुभद्रा कुमारी ने तुरंत सुना दिया और बेचारे टोपी को पूरी ठंड बगैर कोट के गुजारनी पड़ी। टोपी दादी से झगड़ पड़ा कि भाई इस तरीके से थोड़ी ना होता है कि भाई अगर आप सबके लिए नया कोट ला रहे हो तो उसके लिए भी लाना चाहिए था, तो भाई ये गलत था, लेकिन भाई क्या किया जाए। इस गुस्सा के कारण टोपी दादी से भड़कता है। दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। फिर माँ ने टोपी की बहुत पिटाई भी की। टोपी 10वीं कक्षा में पहुंच गया। वह 2 साल फेल हो गया था। उसे पढ़ने का उचित समय नहीं मिलता था। अब क्या था, जब वो 9th क्लास में था तो 9th क्लास में वो 2 बार फेल हुआ। पहली बार क्या हुआ कि भाई उसको एक इमोशनली स्ट्रेस जरूर लग रहा था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पिछले दर्जे में छात्रों के साथ बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था। अब वह अपने घर के साथ साथ स्कूल में भी अकेला था। अब क्या हुआ, देखिए एक बार तो वो बीमार पड़ा था, इस वजह से वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। फिर एक बार क्या हुआ था कि जैसे बच्चा पढ़ने बैठता है तो बार बार उसे डिस्टर्ब नहीं करो, पढ़ रहा है पढ़ने दो, ये चीज़ होती। तो घर में बैठा नहीं कि उसको कुछ काम के लिए बाहर भेज दिया गया कि भाई ये सामान ले आओ वो सामान ले आओ। फिर छोटा जो भाई था वो उस किताब की कॉपी के पन्ने ही फाड़ दिया करता था। तो एक तो बच्चे का ऐसे ही वो इमोशनल डिस्टर्ब था इफन के जाने से। फिर दूसरी बात जो है, 9वीं कक्षा में इस तरीके से उसको पढ़ने का मन नहीं लगा तो 9th क्लास में 2 बार फेल हुआ। जैसे तैसे पास होकर फिर वो अब 10th में पहुंच गया था। अब इन 2 सालों में जब वो फेल हो रहा था तो वो अपने से छोटे बच्चों के साथ बैठने लगा। अब उसके 2 बार फेल होने के चक्कर में क्या हुआ, अध्यापक भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे उसकी बुद्धि को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर। जब अध्यापक मजाक उड़ाएंगे तो बच्चे तो मजाक उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, तो बच्चे भी मजाक उड़ाते थे। तो कहीं ना कहीं जो है वो अब जो पहले घर में अकेला था, घर में उसे कोई नहीं समझ रहा था, स्कूल में भी अब उसे समझने वाला कोई नहीं था। तो मतलब कि ऐसे बच्चे का मानसिक कंडीशन क्या होगी कि जहाँ पर उसे अपनी बातें समझाने या उसको अपनापन जताने वाला कोई भी ना मिल रहा हो। मास्टर ने भी उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। टोपी को भी शर्म आने लगी थी। भाई सब लोग उससे इस तरीके की बात करने लगे थे तो कहीं ना कहीं उसे भी इस चीज़ का शर्म आ रही थी। जब उसके सहपाठी अब्दुल वहीद ने उस पर व्यंग बाण कसा तो टोपी को बहुत बुरा लगा। तो अब जाहिर सी बात है, जब हमने कहा ना कि मास्टर अगर टीचर ही मजाक उड़ाएगा तो बाकी जो सहपाठी हैं, जो उसके को स्टूडेंट्स हैं, तो मजाक उठाना उड़ाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन लोगों ने उड़ा तो टोपी को बहुत, उसने पास होने की कसम खाई कि इस बार वो पास होगा। इसी बीच चुनाव आ गए और डॉक्टर भृगु नारायण चुनाव में खड़े हो गए, पर उसकी इनकी जमानत जब्त हो गई। अब चुनाव आए तो भृगु नारायण जो कि डॉक्टर थे, उन्होंने ये निश्चय किया कि भाई हम भी जो है खड़े होते हैं चुनाव में। चुनाव में खड़े तो हुए पर उनकी जमानत जब्त कर ली गई। ऐसे वातावरण में टोपी का पास हो जाना ही काफ़ी था। घर में जो माहौल था
उसके चलते भाई फर्स्ट डिवीजन तो आना क्या भैया, पास हो जाओ, वही हुआ। और यही हुआ, टोपी पास तो हुआ मगर थर्ड डिवीज़न में पास हुआ, लेकिन तब भी सबको संतुष्टि थी कि वो आखिर पास हो गया। इस पर भी दादी बोल उठी, तीसरी बार तीसरे दर्जे में पास हुए हो, भगवान नज़र बचाए। तो ठीक है, थर्ड टाइम उसे लगा नाइन्थ पास करने में, लेकिन वो पास हो गया आखिरकार। लेकिन ये था कि थर्ड डिवीज़न में पास हुआ मगर पास हुआ, तो वहाँ पर सबको रिलैक्स था कि वो पास हो गया थर्ड बार में, तो कोई बात नहीं। तो ये थे हमारे टोपी शुक्ला, उनकी भावनात्मक उतार चढ़ाव को राही मासूम रजा जी ने बहुत अच्छे से व्यक्त किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसमें कई चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं, एक बच्चे का मन, घर का अकेलापन, बाहर वो प्यार ढूंढना, स्कूल में टीचर्स द्वारा जो कम ग्रेड का बच्चा होता है उसे टीज करना गलत बात है, बच्चों द्वारा भी वही टीजिंग होगी जाहिर सी बात है। दूसरा कलेक्टर जो हरिनाम आया उसके बच्चों के सर पर चढ़ा अपने पिता की पोस्ट का घमंड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें इंडिकेट की गई हैं इस पूरे चैप्टर में, जिन पर हमको ध्यान देना है। ठीक है ना, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, और याद रखना जैसे मैंने बताया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो चलिए, ये चैप्टर तो यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन अब हम करेंगे इनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्वेश्चंस में आप क्वेश्चंस देखोगे जहाँ ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है वहीं आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।